हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद अब इसके सीक्वल का ऐलान कर दिया है। वो एक बार फिर रूह बाबा बनकर लोगों को जमकर एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को भूल भुलैया 3 की जानकारी दी है। फिल्म भूल भुलैया 3 अगले साल 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। भूल भुलैया 2 की तरह इसका निर्देशन भी अनीस बज्मी ही करेंगे। अब इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी खुश और एक्साइटेड हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री की वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इन दिनों कंगना रनौत अपनी नई फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग में बिजी हैं। अब एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनसे फैंस चंद्रमुखी 2 को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर अकाउंट पर चंद्रमुखी 2 के सेट से कुछ फोटोज पोस्ट की हैं, जिनमें वो ड्रेसिंग रूम में तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने कैप्शन में लिखा, मेरी टीम के साथ अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 के सेट पर ये एक ड्रामेटिक लुक और सिचुएशन है, हम सभी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तस्वीरों में कंगना रनौत अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर इन दोनों वेब सीरीज फर्जी को लेकर काफी चर्चा में हैं। बीते साल शाहिद कपूर की पॉपुलर फिल्म जर्सी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन शाहिद की जर्सी अपनी उम्मीदों के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई थी, जिसके चलते जर्सी फ्लॉप साबित हुई। इस बीच अब शाहिद ने जर्सी की असफलताओं को लेकर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से उनका दिल टूट गया था। शाहिद कपूर ने कहा कि जर्सी के फेलियर से उनका दिल टूट गया था, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी फिल्म का हाल ऐसा होगा। फिल्म की रिलीज को 4 महीने आगे बढ़ाने से उन्हें लगता है कि असर पड़ा। शाहिद ने आगे कहा कि हमारी फिल्म के साथ न्याय नहीं हुआ। कॉमेडी किंग और द कपिल शर्मा शो के जाने माने होस्ट कपिल शर्मा जल्द ही फिल्म ज्विगाटो में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हमेशा कॉमेडी करने वाले कपिल एक गंभीर किस्म के रोल में दिखाई देंगे। बता दें कि इस फिल्म में कपिल शर्मा एक फूड डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, जिसमें उनके और उनके परिवार के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे फैंस से काफी पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं। कपिल की ये फिल्म दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। अब ये 17 मार्च को देश भर में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। चीनी काम और बाप बहू और बेबी जैसे हिट लिस्ट में दिखाई दे चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट स्विनी खरा ने अपने फैंस को गुड न्यूज दे दी है। अब ये नन्ही सी बच्ची काफी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि अब ये अपने सपनों के राजकुमार के साथ उड़ने के लिए भी तैयार हो गई है। स्विनी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई कर ली है और अब एक्ट्रेस जल्द ही शादी के लिए भी तैयार है। स्विनी खरा ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। स्विनी खरा को अब सालों बाद देख कर आप शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। बीते कई सालों में उनका लुक भी काफी बदल गया है। सगाई की तस्वीरों में स्विनी काफी खूबसूरत लग रही हैं। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी एक के बाद एक फिल्में कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि बिग बी जल्द ही रेबू दास गुप्ता के अगले प्रोजेक्ट सेक्शन 84, जो कि एक कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, उसमें नजर आएंगे। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि अमिताभ बच्चन का जादू आज भी फैंस के दिलो दिमाग पर चढ़कर बोलता है। एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म से जुड़े एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया है, जो फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है। रणबीर कपूर इन दोनों फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशंस में बिजी हैं। रिलीज से पहले एक्टर लोगों के बीच अपनी फिल्म पहुंचाने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते। इस सिलसिले में रणबीर अब तक कई इंटरव्यूज और इवेंट्स का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने किसी तरह का प्रमोशन नहीं किया। बॉलीवुड के लगभग सभी स्टार्स फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि फिल्म से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक अपने हर प्रोजेक्ट का प्रमोशन करते हैं। हालांकि इस लिस्ट में रणबीर कपूर का नाम शामिल नहीं है। अब उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी इस दूरी की वजह बताई है। रणबीर कपूर ने कहा कि अगर कोई स्टार एक बार सोशल मीडिया पर आ जाता है तो उसे खास तरीके से खुद को वहां प्रेजेंट करना पड़ता है, जो लोगों के हिसाब से भी हो। सोशल मीडिया से खुद को दूर रखने की वजह का खुलासा करते हुए रणबीर ने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि आजकल जो एक एक्टर और एक्ट्रेस की मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं चली जा रही है। वो इतने एक्ट करते हैं, फिल्में करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, शोज करते हैं कि लोग उन्हें इतना ज्यादा देख रहे हैं कि उन्हें लगने लगा है कि यार इससे तो बहुत जल्दी उग गए हैं। प्रियंका चोपड़ा के फैंस जो आने वाली वेब सीरीज सिड्डल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक दिल तोड़ने वाली खबर है। वो ये है कि सिड्डल के ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है।
वेब सीरीज का ट्रेलर आज यानी 2 मार्च को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब सिड्डल के ट्रेलर को आगे बढ़ा दिया गया है। निर्माताओं ने ग्रीस में दुखद घटनाओं के मद्देनजर ट्रेलर लॉन्च में देरी का फैसला किया है। आपको बता दूं कि ग्रीस में एक ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के साथ कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसी के चलते अब गेटी गैलेक्सी के मालिक मनोज देसाई द कपिल शर्मा शो पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अक्षय कुमार को अपनी तरफ से वेकअप कॉल दिया है। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अक्षय और कपिल के बीच अच्छा बॉन्ड है, लगभग अपनी हर फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार द कपिल शर्मा शो पर ज़रूर जाते हैं। गेटी गैलेक्सी के मालिक मनोज देसाई अब अक्षय कुमार को द कपिल शर्मा शो में अक्सर आने के लिए फटकार लगा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि बार बार कपिल शर्मा शो में जाकर अक्षय को मिल क्या रहा है, वो तो अपना शो चला रहे हैं, उसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, पब्लिक को हंसाना है। उनका ये इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। पिछले दिनों जावेद अख्तर का पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको आईना दिखाना खूब चर्चाओं में रहा। जहां इंडिया में उनकी काफ़ी तारीफ हुई, वहीं पाकिस्तान के लोगों ने जावेद अख्तर को काफ़ी ट्रोल भी किया और इस लिस्ट में अली जफर का नाम भी शामिल है। लेकिन अब जावेद अख्तर की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद अली जफर ने बॉलीवुड के महान एक्टर दिलीप कुमार की तारीफ कर दी है। अली जफर ने सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार की तारीफों के पुल बांधे हैं। अली जफर ने दिलीप कुमार की लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसके साथ कैप्शन में एक्टर की सिंगिंग स्किल्स की तारीफ भी की है। आज मायपुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।